जय माता रे। प्रिया मित्रों, आज मैं आपको जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिसे करने से आपके घर में अगर आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, तो आर्थिक स्थिति अगर आपकी डाउन है, तो उसे कैसे उस समस्या से हमें छुटकारा पाना चाहिए, उसके लिए उपाय बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपके घर के अंदर कोई बरकत के अंदर कमी आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम आपके ऊपर दिन प्रतिदिन ज़्यादा आ रही है, तो उस प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना चाहिए। तीसरा उपाय बताऊंगा मैं आपको, अगर किसी के घर में संतान का सुख नहीं है, तो संतान के सुख के लिए जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिसे करने से हमारे घर में संतान का सुख जल्दी हमें प्राप्त हो। घर के सुख शांति के लिए भी मैं आपको जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाऊँगा। उपाय या दान या पुण्य का कार्य अगर हम कोई भी करते हैं, कभी भी कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार अगर आप कोई भी छोटा सा उपाय करते हैं, ये नहीं पता होता उस उपाय का या उस दान का या उस पुण्य का कब आपको रिजल्ट उसका अच्छा मिल जाए। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय हमारे लिए बहुत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बता रहा हूँ जन्माष्टमी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी, लेकिन इस दिन हमें करना क्या चाहिए जिसे करने से हमारे घर में छोटी छोटी प्रॉब्लमें जो होती हैं वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाए। जैसे हमारे घर में आर्थिक स्थिति अगर हमारी ठीक नहीं चल रही, आर्थिक समस्या हमारे ऊपर ज़्यादा चल रही है, तो हमें एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। गाय की मूर्ति लेकर आनी है आपने, गाय की मूर्ति के साथ उसके बच्चे मतलब उसे बछड़े की फोटो साथ होनी चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की फोटो या मूर्ति अपने घर में लेकर अपने मंदिर में रखते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो धीरे धीरे से अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिस घर में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, बरकत में कमी आ रही है, उन्होंने क्या करना चाहिए। जब हम बाल गोपाल का पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन, उसके पास एक छोटी सी बांसुरी चांदी की आपने रखनी है। उस बांसुरी को जब हम बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद अगले दिन उस बांसुरी को उठाकर आपने अपने घर के लॉकर में जहां पैसे रखते हैं या अपने पर्स में आपने रखनी है। ऐसा करने से आपका जो बेफालतू का खर्च होता है वो खर्च आपका अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, फजूल के खर्चे बंद हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ जिस परिवार में संतान का सुख के अंदर कमी आ रही है, जिनको संतान नहीं हो रही है, उन्होंने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गाय और उसके बछड़े की मूर्ति उन्होंने लेकर जन्माष्टमी के दिन ही आपने खरीदनी है। खरीदने के बाद उसे गंगा जल ऊपर छिड़क कर, पानी से स्नान कराकर, दूध भी स्नान कराकर गाय को अपने मंदिर में रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है कि जन्माष्टमी के दिन आपने एक शंख लेकर, छोटा सा शंख के अंदर आपने दूध डालकर लड्डू गोपाल को का अभिषेक करना है। ऐसा करने के बाद आपने जल को अपने घर के अंदर छिड़कना है। ऐसा इसके बाद आपने जो गाय आपने रखी है, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार उस गाय का आपने अभिषेक करना है। तो आपके घर में अगर संतान का सुख नहीं है, तो आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। घर के अंदर अगर आपकी सुख शांति के अंदर दिक्कत आ रही है या आपके घर के अंदर बेफालतू की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा आ रही है, तो आपने एक उपाय और भी कर सकते हैं इसके लिए, जो सबसे बढ़िया है, गौशाला में जाकर या आवारा पशुओं को हरा चारा जन्माष्टमी के दिन अगर हम डालते हैं और साथ में थोड़ा गुड़ अगर डालते हैं, तो आपके घर में ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप सवा मणि करके आते हो गौशाला में जाकर, तब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, जिस मनोकामना को सोच कर रहे हो, जिस इच्छा को सोच कर रहे हो, परमात्मा का नाम लेकर, कृष्ण भगवान का नाम लेकर अगर गौ का उस दिन आप हरा चारा डालकर आते हो गौ को, तो आपके जीवन में काफ़ी सुख बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।